जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजाज की डिस्कवर सीरीज इंडियन मार्केट में एक टाइम पे बहुत ही बवाल थी। फिर चाहे आप डिस्कवर 125 ले लो, 150 ले लो, 100 ले लो, मतलब सारे सेगमेंट में बजाज ने डिस्कवर की सीरीज लॉन्च कर रखी थी। लेकिन जैसे जैसे BS4 इंजन नॉर्म्स चेंज हुए, इंडिया में BS6 इंजन नॉर्म्स आ गए, तो पूरी तरीके से जो है बजाज की डिस्कवर सीरीज हो गई डिसकॉन्टिन्यू। लेकिन अभी भी बाहर की कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश वगैरह में अपनी बजाज डिस्कवर जो है वो काफ़ी सेल होती है। तो वैसी ही एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ मैं डिस्कवर लवर्स के लिए, और एक बार फिर से इंडिया में बजाज उतारने वाला है अपनी डिस्कवर सीरीज। और जो सबसे पहली बाइक होगी इस सीरीज में वो होगी डिस्कवर 125 STR। तो जी हाँ, आज के वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में करेंगे बात कि कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस होगी, क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल, ताकि किसी भी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों से मिस ना हो। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले लुक्स और डिज़ाइन की। तो एक ये मान लीजिए आप जो होंडा की SP125 आती है उस लुक में इसको रखा जाएगा, यानी कि काइंड ऑफ कम्यूटर सेगमेंट की बाइक रहेगी जिसमें आपको बेहतर माइलेज और ठीक ठाक पावर मिल सके। बात करें यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो 124 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 5 स्पीड के गेयरबॉक्स के साथ, जो कि जनरेट करेगा 11 PS की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क। यहाँ पे जो बाइक है उसमें आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में आपको मिलने वाला है मोनोशॉक सस्पेंशन। तो बाइक के सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छे वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ABS इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बाइक की जो प्राइस है वो थोड़ी कम रखी जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे खाली सिंगल डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रंट में ही आपको डिस्क देखने को मिलेगा, रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और कोई भी ABS का ऑप्शन इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम की, तो फ्रंट में आपको जो है LED DRLs विथ LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे और रियर में जो टेल लाइट है वो भी आपको LED में ही देखने को मिलेगी, बट आपको जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं वो बल्ब टाइप में ही देखने को मिलेंगे। सिंगल सीट ऑप्शन के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलेगी, कोई भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं होगा। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह और जो सीट हाइट है वो मतलब नॉर्मल रखा जाएगा, यानी कि 5'6" 5'7" हाइट के जो लोग हैं उन तक के लिए बाइक काफ़ी अच्छी रहने वाली है हाइट के मामले में, सीट हाइट के मामले में। और यहाँ पे आपको जो है बात करें अगर आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ये लाइक आपके ट्रिप ए माइलेज, रियल टाइम माइलेज और रियल टाइम आपको जो टाइम शो करता है वो सब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसको एक मतलब कम्यूटर सेगमेंट की बाइक बना जाएगा, तो ज़्यादा फीचर्स इसमें नहीं देने वाली है बजाज, बट हाँ आपको इससे बेहतर माइलेज और ठीक ठाक पावर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो बाइक है आपकी 1 लाख के अंडर आपको पड़ने वाली है इंडिया में, और इस बाइक को लॉन्च करने के पीछे का यही रीज़न है कि हाँ 125 cc के सेगमेंट में बजाज एक बार फिर से डिस्कवर को उतारने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे 150, 100 जो भी जितने भी सेगमेंट डिस्कवर सीरीज के आते थे वो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब नए इंजन नॉर्म्स आ गए हैं BS6 Phase 2 OBD सेंसर के साथ, जिसमें 20% एथेनॉल फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर इसके नए इंजन बनने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पे लॉन्चिंग की, तो अभी इसके कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। यहाँ पे आप ये मान लीजिए इस फेस्टिव सीजन से पहले तो खैर इंडिया में नहीं आने वाली है, क्योंकि बजाज मोस्टली अपने जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत टाइम बाद रीलॉन्च कर रहा होता है उनको फेस्टिव सीजन के आसपास ही लॉन्च करता है, ताकि उनकी सेल अच्छी रह सके। तो हाँ, दिवाली तक इस साल के एंड तक आपको इंडियन मार्केट में ये बाइक देखने को मिल जाएगी। बाकी कमेंट जरूर करके बताना कि 125 सीसी के सेगमेंट में अगर ये बाइक आती है तो क्या ये जो और बाइक है रेडर, SP, पल्सर वगैरह इनको टक्कर देगी, और क्या अगर ये 125 सीसी के सेगमेंट में आती है तो आप इसको खरीदना चाहोगे। बाकी कितने आप जो हैं बाकी जो डिस्कवर सीरीज है उसके आप लोग कितने बड़े फैन हो, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर ए गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।